दोस्तों 3 साल पहले मुकेश अंबानी ने कहा था डेटा इज ऑक्सीजन इन दिस डिजिटलाइज्ड वर्ल्ड। बोले तो आप कोई सा भी बिजनेस कर रहे हो, जैसे जैसे डिजिटलाइजेशन बढ़ता जा रहा है, ऑनलाइन बिजनेस बढ़ता जा रहा है, तो आपको डेटा की इंपॉर्टेंस समझनी होगी। डेटा बेस ही सब कुछ है, जितना बड़ा डेटा बेस उसका बिजनेस उतना बड़ा ग्रो होने के चांसेस रहते हैं। अब डेटा आप बोलोगे कि डेटा कहाँ से लाएँ, कस्टमर्स का डेटा बेस कहाँ से लाएँ, इतने सारे कस्टमर्स के नंबर्स कहाँ से लाएँ, तो उसके कुछ तरीके मैं बता रहा हूँ जो मैंने पर्सनली फॉलो करे थे। जैसे है इंडिया मार्ट, इंडिया मार्ट पर आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, जस्ट डायल पर आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, ट्रेड इंडिया पर आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। वहाँ से जो लीड्स आती है उनको आप सेव करके रखो और उनसे आप कॉन्टैक्ट करो, व्हाट्सएप के थ्रू बिजनेस करो, ठीक है। अब बात आती है कि सिर्फ उनको, मैं एक चीज़ में पर्सनली सजेशन ये देना चाहूँगा कि आप उनको सिर्फ मोबाइल फ़ोन में ही सेव करके मत रखो, आप उनको अपने अलग से एक्सेल शीट मेंटेन करके रखो, क्योंकि कई बार अगर फ़ोन ख़राब हो जाता है या खो जाता है तो आपके मोबाइल नंबर, फिर आजकल तो क्या है कि सब कुछ आपकी ईमेल आईडी से कनेक्टेड रहता है, तो वो सब कुछ नंबर आप वापस गेट बैक हो सकते हैं। लेकिन बट स्टिल टू बी ऑन द सेफर साइड, आप उन मोबाइल नंबर्स को सारा डेटा, डिटेल, नाम, नंबर सबको एक्सेल शीट मेंटेन करके उसको मेल पे या गूगल ड्राइव पर सेव करके रखो।